पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मैच खेला गया जिसके दूसरे दिन की कहानी खत्म हो गई। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में 344 रन पर ऑल आउट हो गई 96 ओवर में और इंग्लैंड ने बैटिंग किया 9 ओवर में इंग्लैंड ने 24 रन बनाया और 3 विकेट गिरी उनकी। अगर हम इंग्लैंड की बैटिंग की बात करते हैं तो उनके जो विकेट गिरने वाले बल्लेबाज जैक जिन्होंने 12 गेंदों में 2 रन बनाया, कोई भी 6 और कोई भी 4 नहीं लगाया उन्होंने, और डॉकिया जो दूसरे नंबर पर आउट होने वाले 15 गेंदों पर 12 रन बनाया उन्होंने 2 चौके की मदद से। ओली पॉप जिन्होंने 15 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब उनकी फिलहाल जो विकेट के ऊपर जो 2 बड़े बल्लेबाज उनके टिके हुए हैं, रूट और हैरी ब्रोक। रूट जो है वो 7 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं और हैरी ब्रोक 5 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। और अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक की बात करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 10 विकेट निकाले, जैसे कि रेहान अहमद 17 ओवर की गेंदबाजी में 2 मैडन ओवर डाला, उन्होंने 66 रन दिया और 4 विकेट निकाला। और 2 नंबर पर आ जाते हैं शोएब बशीर जिन्होंने 33 ओवर की गेंदबाजी में 2 मैडन ओवर डालकर 129 रन दिया और 3 विकेट लिया। उसके बाद 3 नंबर पर आ जाते हैं गॉस एटलिक जिन्होंने 12 ओवर की गेंदबाजी में 3 मैडन ओवर डालकर 22 रन देकर 2 विकेट लिया। और 4 नंबर पर आ जाते हैं जैक जिन्होंने 31 ओवर की गेंदबाजी में 2 मैडन ओवर डाला, 105 रन दिया और 1 विकेट लिया। इस तरीके से इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक ने पाकिस्तान के 10 विकेट निकाले। और अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं तो काफी कमाल की बल्लेबाजी हुई पहली इनिंग में। 344 रन पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में बनाया। जैसे कि पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो शफीक जिन्होंने 27 गेंदों में 14 रन बनाया 1 चौके की मदद से। सईम अय्यूब 36 गेंदों में 19 रन बनाया 1 चौके की मदद से। मसूद जो इस टीम के कप्तान है जिन्होंने 70 गेंदों में 26 रन बनाया। उसके बाद कमरान गुलाम जो पिछले मैच के हीरो रहे, मैन ऑफ द मैच, जो इस मैच में चले नहीं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 गेंदों में 3 रन बनाकर वो आउट हो गए। और अगर हम बात करते हैं शाउद शकील जिन्होंने इस मैच में सेंचुरी लगाई है, 223 गेंदों में 134 रन बनाया 5 चौके की मदद से। इनकी पारी की वजह से पाकिस्तान इतनी मजबूत पोजीशन पे जाकर अब बैठा हुआ है। और रिजवान इस मैच में 46 गेंदों में 25 रन बनाए 1 चौके और 1 सिक्स की मदद से। उसके बाद में आगा सलमान ने इस इनिंग में कुछ खास नहीं कर पाया, 9 गेंदों में 1 रन बनाया सिर्फ और सिर्फ। जमाल 28 गेंदों में 14 रन बनाया उन्होंने 1 चौके की मदद से। नोमान अली काफ़ी जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं उसी तरीके से बल्लेबाजी में भी कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 84 गेंदों में 45 रन बनाया उन्होंने 2 चौके और 1 सिक्स की मदद से। जैद जो जिन्हें स्ट्राइक नहीं मिली 1 गेंद खेले थे और आउट हो गए। और अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करते हैं, पाकिस्तान ने अभी तक के इंग्लैंड के 3 विकेट निकाले हैं। 3 विकेट निकालने वाले जो गेंदबाज है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पहले नंबर पर नोमान अली जो पिछले मैच में भी काफ़ी ज़्यादा विकेट लिया इन्होंने, पिछले मैच में नोमान अली ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 विकेट लिए थे नोमान अली ने। और इस इनिंग में भी नोमान अली ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 1 मैडन डाला है, 9 रन दिया है और 2 विकेट निकाला है। और दूसरे नंबर पर आते हैं साजिद खान जिन्होंने पिछली इनिंग में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, साजिद खान ने 6 विकेट लिया था और इस इनिंग में भी 4 ओवर की गेंदबाजी में 2 मैडन डाला है उन्होंने, 19 रन देकर 1 विकेट लिया है। इस तरीके से पाकिस्तान की जो बैटिंग थी आज के दिन दूसरे दिन पे, पाकिस्तान की बैटिंग ने भी कमाल किया और उनकी गेंदबाजी ने भी कमाल किया। उन्होंने इंग्लैंड को पूरी तरीके से बांध कर रख दिया है। अभी भी इंग्लैंड के पास 53 रन और है जिसे उन्हें पूरा करना है। अगर 53 रन के अंदर इंग्लैंड ऑल आउट हो जाती है तो पाकिस्तान इस मैच को काफ़ी बड़े मार्जिन से जीतेगा, 1 इनिंग से जीत जाएगा। इसके बाद में उन्हें और भी टारगेट सेट करना है, पाकिस्तान की बैटिंग के लिए, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है अगर ये दो जोड़ी जो खेल रही है पाकिस्तान इंग्लैंड की, रूट और हैरी ब्रोक, ये दोनों में से कोई भी बल्लेबाज अगर आउट हो जाता है तो इंग्लैंड 100-150 रन के ऊपर लीड नहीं दे पाएगी। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक जिस तरीके से नोमान अली और साजिद खान बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये 50 रन या 60 रन की भी लीड दे पाएंगे, क्योंकि काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली मैच में भी उन्होंने काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी की और सेकंड मैच में भी वो कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली पारी में भी साजिद खान और नोमान अली ने काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी की और दूसरी पारी में भी वो अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान फिलहाल अभी बहुत अच्छे पोजिशन पर है। पहले दिन में पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बैकफुट पर जा रहा है, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग में ही 3 विकेट गिर गई थी पहले दिन में। उसके बाद में दूसरे दिन में जिस तरीके की बल्लेबाजी की साउथ शकील ने, 134 रन की पारी की वजह से उनकी
पाकिस्तान की जो बैटिंग अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा संभल गया। और उसके बाद में जब आखिरी के जब 10 ओवर बचे हुए थे पाकिस्तान के पास इंग्लैंड को बैटिंग करने के लिए, तो उनके जो गेंदबाजों ने भी कमाल करके दिखा दिया। नोमान अली और साजिद खान ने जो 3 विकेट फटाफट लिए, उसकी वजह से इंग्लैंड की टीम पूरी की पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है। अब यहाँ से अगर पाकिस्तान मैच हार जाता है तो पाकिस्तान से इससे बड़ी कोई भी हार नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी 3 दिन बचे हुए हैं और उनके पास 3 दिन की पूरी की पूरा टाइम बचा हुआ है। और इंग्लैंड को यहाँ से अगर मैच जीतता है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के लिए भी काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि इंग्लैंड अभी पूरी तरीके से बैकफुट पे है और उनके 2 बल्लेबाज जैसे कि जॉय रूट और हैरी ब्रोक बैटिंग कर रहे हैं फिलहाल, तो इसके बाद भी उनके पास 2 बैट्समैन अच्छे बैट्समैन जैसे कि उनके कप्तान बेन स्टोक्स, वो काफ़ी कमाल के बल्लेबाज हैं। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की, वन साइड बैटिंग करने की काबिलियत रखते हैं और मैच को जिताने की काबिलियत रखते हैं। इंग्लैंड इस मैच को छोड़ेगा नहीं, या फिर पाकिस्तान इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करेगा अपने ही घर में, या फिर इंग्लैंड इस मैच को जीते, क्योंकि इस मैच का नतीजा आना है। 2 दिन के खेल में दोनों टीम अलाउट हो गई है और तीसरी इनिंग की शुरुआत हो गई है। 3 दिन में ये मैच खत्म होगा, कल का दिन या फिर 4th दिन में ये मैच खत्म हो जाएगा। इंडिया और न्यूजीलैंड का भी हाल काफी बुरा चल रहा है, वहां पर भी यही हाल चल रहा है। इंडिया मैच हारने की कगार पर और यहाँ पर पाकिस्तान मैच जीतने की कगार पर। देखना है कौन सी टीम कौन सीरीज जीतती है, ये देखने वाली दिलचस्प की बात होगी। आपने दूसरे दिन का मैच देखा इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में, कौन से बल्लेबाज और कौन से गेंदबाज की बल्लेबाजी और गेंदबाजी अच्छी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहेगा तो हमारे लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियो अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।